नहीं डेफिनेटली दिल में तो यही था कि करना है, क्योंकि लाइक यू सेड हुआ था उस टाइम पे, और छोटी चीज़ नहीं है किसी के साथ होना, बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, वो लोग आज भी हैं जिनके साथ हुआ था, ऐसा नहीं है ये 100 साल पुरानी बात है कि कुछ लोगों के साथ हुआ था, वो लोग आज भी हैं। तो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आपको अगर कभी भी एक अगर एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है जो चीज़ स्टिल इस वेरी फ्रेश विद इन ऑडियंसिस माइंड अगर कुछ है, तो उसको छेड़ने में मज़ा आता है आपको। और ये इस चीज़ के बारे में हमारे यहाँ बात हुई नहीं है इतनी गंभीर तरीके से जिस पे होनी चाहिए थी। हालांकि फिल्म गंभीर नहीं है, वो एक अच्छी बात है, टॉपिक गंभीर है, फिल्म गंभीर नहीं है। तो डेफिनेटली यार इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट कि आप इसके बारे में बात करें, और सिर्फ एक सोशल उसके बारे में बात नहीं होती है, एट द एंड ऑफ द डे बात आती है स्क्रिप्ट लिखी कैसी गई है, लिखावट अच्छी है कि नहीं, कैरेक्टर्स आपके कैसे हैं, लोग जब देखेंगे उन्हें मज़ा आएगा कि नहीं। वरना तो आप डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हैं, आप फिल्म बना रहे हैं इसलिए क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट के साथ कुछ मैसेज हो। सो कोशिश वही है लोगों तक पहुँचाने की, आई होप पीपल लाइक इट। हाँ, जब मैंने भी सुना था इस बारे में, कोई फिल्म ऑलरेडी मैंने देखी नहीं है पहले, और काफ़ी बड़ा ये घटना घटी थी जो जब 70s में जब ये हुआ था, तो द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड इज यू नो व्हाई नॉट, अगर ऐसा कुछ हुआ है और ऐसा कुछ बन रहा है और ऐसी कहानी कहने को मिल रही है, तो आई वॉन्टेड टू एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस प्रोजेक्ट एंड इट इज़ अ गुड स्क्रिप्ट, सो आई होप यू गाइस हैव फन। मैं घर से ही शूट शुरू कर देता हूँ गाड़ी में आते आते। अच्छा। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं है यार, ऐसा किसी भी आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। जिस दिन आपको लगे कि ये चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं या अंदर जो आपके एक झील होनी चाहिए वो मर चुकी है। तो मुझे आज भी उतना ही नर्वस लगता है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। और अच्छी बात यह कि स्क्रिप्ट इतनी बखूबी लिखी हुई थी कि उसको पढ़ के आपका आधा रिसर्च का काम हो जाता है। एंड लाइक वी सेड, ये जो इमरजेंसी है इट वर्क्स लाइक अ बैकड्रॉप ऑफ द फिल्म, कोर में एक बड़ी पर्सनल कहानी है एक आदमी की। तो जिम्मेदारी ये भी थी कि लोगों को फिल्म देखते हुए ये ना लगे कि ये बहुत पुरानी बात है, जो इमोशन है वो डेकेड्स के थ्रू के जाके आज भी टच करना चाहिए। और ये मेरी पहली सबसे पहली जो बात हुई थी डायरेक्टर के साथ यही हुई थी कि जस्ट बिकॉज हम 70s में हैं, साइड लॉक्स हैं, डॉग कॉलर्स हैं, इससे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये मेरी कहानी नहीं है। इमोशन इतना होना चाहिए कि चाहे ये 70s की कहानी है लेकिन आज भी मेरे तक पहुंच रही है। सो या जी, आई टोटली अग्री विद दिवेंदु अबाउट व्हाट ही सेइंग। कोशिश यही है कि कैरिकेचरिश करने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक इट्स वी आर ट्राइंग टू नॉट टर्न इनटू कॉस्ट्यूम ड्रामा मेयरली। देयर इज मोर टू द फिल्म, देयर इज मोर टू द इमोशंस एंड द कैरेक्टर्स एंड आई होप वी डिस्प्ले इट नाइसली। जो आपका गेटअप है ये बहुत मज़ेदार है। हाँ, सो बट क्योंकि 70s की बात हो रही थी तो एट द सेम टाइम इसने बड़ा हेल्प भी किया कैरेक्टर में आने के लिए। सो देर आर टू वेज टू अप्रोच अ कैरेक्टर, है ना, इंटरनल टू एक्सटर्नल जाते हैं या एक्सटर्नल टू इंटरनल जाते हैं। तो इस बार जब कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ और अपने आप को शीशे में देखा मूछों के साथ और इन सब चीज़ों के साथ, तो सच में ऑलरेडी देर वॉज अ कैरेक्टर यू कुड सीन द मिरर। तो बड़ा हेल्प किया और बड़ा मज़ा आ रहा है इसको करने में कि यू नो इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट फील। सडनली आपको ट्रांसपोर्ट कर देता है जब आपका हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम आप पहनते हैं, आपको लगता है कि आप उस जमाने के हैं। सामने से व्हेन यू सी योर कोएक्टर कमिंग रेडियो के, तो आपको लगता है अच्छा ये ऐसा है, आई एम श्योर उनको भी वैसे ही लगता होगा देख के। तो ये बहुत हेल्प करता है और बहुत मज़ा आता है यार करने में, चश्मा वश्मा लगा के, पुरानी उस टाइम की बाइक आप चला रहे हैं तो वो स्वैग जो उन लोगों का था, मज़ेदार चीज़ है। Not the whole crew, but काफ़ी मेजरली आई थिंक वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दी एंड एंड एक दो दिन में हमारी पूरी फिल्म रैप है। आज मेजर चीज़ों का रैप हो जाएगा आई थिंक। सो या सो मतलब गुड 95% डन हो जाएगा आज। क्लाइमैक्स का शूट है तो जाहिर सी बात है बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बट लेकिन मज़ेदार है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे सारे कैरेक्टर साथ में आते हैं, जो कन्फ्यूजन कहानी में चल रहा था वो कभी काफ़ी हद तक क्लियर होता है, उसके आगे एक छोटा सा और कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है जो कि एंड क्रेडिट्स तक चलता है। तो है मतलब ये फिल्म एक्चुअली हमारे डायरेक्टर साहब ने एंड क्रेडिट्स तक जब आप देखेंगे ना आप उठ नहीं सकते, पूरा देख के उठेंगे आप। शीतल जी पहले आप बताओ। आप बताइए सर। यार फैंस को मैं यही कहूँगा कि दोस्तों देख लेना है फिल्म,
बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से बनाई है, और डिजिटल फिल्म है तो अच्छी बात यह है कहीं टिकट विकेट पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार की टिकट के पैसों में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आ जाता है। तो सिर्फ यही फिल्म नहीं, और भी Z5 पे जितनी फिल्में हैं सारी देखिए, बढ़िया लोग हैं, बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमारी फिल्म भी अच्छी है, प्लीज़ प्लीज़ डू वॉच इट। बस मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि जब भी फिल्म आए आप ज़रूर देखिएगा, हमने बहुत ही प्यार और बहुत मेहनत से बनाई है। पहली बार मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जहाँ पे मैं अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, या आई एम गेटिंग टू लुक प्रिटी, और लाइक मैं एक येस्टे ईयर का लुक कर रही हूँ, तो मैं खुद भी अपने आप को उस लुक में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। आई होप पीपल लाइक इट एंड एक्सेप्ट इट। और ये तो फिल्मों की बात हो गई, आपसे अगर आप कुछ छपाक का ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया, और आई एम ईगली वेटिंग फॉर 10 January टू फिल्म टू कम आउट, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड टू ब्रिंग इट टू द सर्फेस लेवल एंड टू ब्रिंग इट टू मेक इट अ कॉन्वर्जेशन इज सच अ गुड स्टेप। सो या वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड। यस डेफिनेटली यार, किसने नहीं देखा, एंड जितने नाम उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं सारे ही बहुत रिस्पेक्टेबल नाम हैं। लाइक शी सेड के जिस बारे में बात हो रही है वो आनी बहुत ज़रूरी है। एक आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रही है हमारी सोसाइटी अभी, तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। दे वर्क लाइक अ टूल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। सो एंड इफ सिनेमा कैन स्टार्ट अ कन्वर्सेशन देन व्हाई नॉट, आई मीन दीज आर द टॉपिक्स। सिनेमा हैज टू, सिनेमा हैज टू, या 10th Jan, या वॉच दैट आल्सो। 2020 भी आ रहा है साल 2020 से। यस अरे बवाल, बवाल अभी आप देखिए, मतलब इन फॉर अ राइड, मतलब मजा आ जाएगा आपको, मतलब फुल पैकेज है। आपकी हम ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग? कोई स्पेसिफिक प्लानिंग नहीं है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर 2020 का वेलकम करते हैं और फिर देखते हैं कैसा रहेगा। नहीं अभी शादी का तो कुछ नहीं है, शादी लेकिन जब भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू, हमारी तरफ से शुक्राना, अच्छा है ना, समझाएंगे। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।